विदेशी जमीन पर राहुल के सरकार परिवार पर बीजेपी पलटवार कर रही है। ये कांग्रेस करती रहेगी। आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ऑल्सो स्पोक अबाउट हाउ माइनॉरिटीज आर बीइंग अटैक्ड इन द कंट्री, दे आर अंडर थ्रेट, बट द रिजल्ट्स ऑफ गोवा एंड नॉर्थ ईस्ट हैव सेड समथिंग एल्स बिकॉज़ पीपल ओवर देयर द माइनॉरिटीज हैव ऑल्सो वोटेड फॉर द बीजेपी सर। नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाए, ना वो लोगों का मैंडेट स्वीकार कर पाए, एक के बाद दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? तो सुन रहे थे आप केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि राहुल के दिमाग में पेगासस घुस गया है, राहुल को हार पच नहीं रही है, ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखाता है, भारत को बदनाम करने की ये एक और कांग्रेस की कोशिश। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।